अब खबर अजमेर से है, जहां पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के विरोध में प्रदेश सहित जिले के अस्पतालों में 24 घंटे के लिए कामकाज पूरी तरह से बंद रहेगा। शहर के जेएलएन अस्पताल में मंगलवार की सुबह 8 बजे तक संपूर्ण चिकित्सा कार्य पूरी तरह से ठप कर दिया गया, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही मित्तल और क्षेत्रपाल हॉस्पिटल जैसे बड़े निजी अस्पतालों में भी 24 घंटे के लिए आउटडोर हड़ताल रहेगी। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन अजमेर के अध्यक्ष डॉक्टर देवराज राव ने बताया कि बंगाल में हुई घटना के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने पर 24 घंटे के लिए रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे और शाम को 7 बजे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से बजरंगगढ़ चौराहे तक कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया। पिछले हफ्ते NRS मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसके खिलाफ राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे 24 घंटे की मास सीएल पे हैं। इसमें सभी प्रकार की सेवाएं